हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड शेयर के बारे में। तो पहले हम लोग इस शेयर का फंडामेंटल डेटा चेक करेंगे, उसके बाद इस शेयर का टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद देखेंगे इस शेयर का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो में अंत तक बन रहे। तो देखिए, आज के डेट पे अभी तक ये शेयर आपका हाई गया है 189.40, लो गया है 167.80 और अभी तक आज के डेट पे इस शेयर ने रिटर्न दिया 12.60% का एंड अभी इसका जो प्राइस चल रहा है अराउंड आपका ₹187.95-188 इसी रेंज पे। ओके, इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है ₹4,436.58 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है ₹4,899 करोड़ एंड पीई रेशियो है 63.17। इस कंपनी के ऊपर अभी डेप्थ है ₹498.53 करोड़ का। ओके, तो ये जो कंपनी है स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इस कंपनी का आपका डेप्थ इक्विटी रेशियो 2022 का निकल के आ रहा है 2.42, तो जो कि मेरे हिसाब से एक आपका नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि डेप्थ इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट थोड़ा सा आपका नेगेटिव होने से पूरा शेयर का फंडामेंटल नेगेटिव होने जाता। हम लोगों को और भी जो पॉइंट है वो भी हम लोगों को एनालिसिस करना पड़ता है। ओके, इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹2.94, रिटर्न ऑन इक्विटी है 21.6% एंड आरओसी है 15%, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा ही है। ये जो कंपनी है स्नाइडर इलेक्ट्रिक, इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 75%, पब्लिक का होल्डिंग है 22.53%, डीआईआई का होल्डिंग है 2.2% एंड एफआईआई का होल्डिंग है 0.27%। अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक चीज देखिए, जो आपका 75% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है, प्लेजिंग शेयर का जो परसेंटेज है बिल्कुल जीरो है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और ये जो कंपनी है स्नाइडर इलेक्ट्रिक, इस कंपनी आपका लास्ट 6 साल का जो हाई था उसको भी तोड़ दिया है एंड आपका एक हफ्ते के अंदर 12% ये आपका इंक्रीज हुआ है। ओके, और लास्ट 1 साल के अंदर इस कंपनी ने रिटर्न दिया है 45.15% का। और ये जो कंपनी है स्नाइडर इलेक्ट्रिक, इस कंपनी का आपका पीटॉस की स्कोर है 7 out of 9, मतलब ये कंपनी फाइनेंशियली एक आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और एक चीज देखिए, जो कंपनी है आपका स्नाइडर इलेक्ट्रिक, ये कंपनी आपका मनी कंट्रोल का टेक्निकल के हिसाब से डेली चार्ट में देखिए वेरी बुलिश है, एक बार वीकली चार्ट पे भी देख लेंगे। तो देखिए वीकली चार्ट पे भी ये शेयर आपका वेरी बुलिश है, एक बार मंथली चार्ट पे भी देख लेंगे और मंथली चार्ट पे ये शेयर आपका बुलिश है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे एंड वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, कल का डे पे यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा था, जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था, जो कि टेक्निकली एक अच्छा बात है। एंड आज के डे पे भी यहाँ पे हम लोगों को एक आपका बहुत ही पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। डेली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज तीनों मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। RSI भी देखिए यहाँ पे आपका अबव 60 है और MACD भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर है, मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस तरह का आपका 1 वीक का चार्ट भी ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, इस जगह पे ये आपका है July 2022 का 3rd week, यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा था, जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। तब से देखिए लगातार ये शेयर ऊपर की तरफ भाग रहा है और अभी जो करेंट वीक चल रहा है, इस वीक में भी यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा है। और अभी इस शेयर ने क्या किया है देखिए, इसका जो आपका लास्ट हायर हाई लेवल था, ए वाला लेवल, इसको भी आपका लगभग 2 हफ्ता पहले ही तोड़ दिया है एंड वीकली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज तीनों मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है।
RSI भी यहाँ पे आपका अबव 60 है और MACD भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर ही है। मतलब वीकली चार्ट में भी ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो अभी इस शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अराउंड आपका ₹185, अगर लगभग इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए तो मेरे हिसाब से आने वाले 1 से 2 महीने में इस शेयर आपका ₹210 का जो टारगेट है उसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ एंड मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आजकल इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।